हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाए हैं, जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर जरूर जरूर आप लोग बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की वीडियोस एंड प्रैक्टिस शीट की वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस मैराथन वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोगों को दिख रहा होगा, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। चलिए, और ये रामबाण नोट्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लेना, ठीक है। अभी भी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। हमारे क्रैश कोर्स से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 527 पेज की पीडीएफ है, इसमें सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें हूँ। एक सरकारी सीट अगर आपको फिक्स करनी है तो ये क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास मौका है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, पहला प्रश्न है, मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थिति कम होती है? फटाफट आंसर दें। मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? इकोनॉमी वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना, अगर वो क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। अब मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होती है, ठीक है ना। क्या होता है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय यानी कि खर्च होती है। पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी बच्चे दूसरे का आंसर देंगे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? 1915 में लौटे थे, ये भी आपको याद रखना है। सभी लोग आंसर करेंगे, गांधी जी जब जो है दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करें। तो इंडियन ओपिनियन, ये एक समाचार पत्र है, इसको जो है प्रकाशित किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। तो दूसरा का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो इंस्टा पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1665 में पुरंदर की जो है संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? फटाफट आंसर करें। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? थ्री का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाया करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि एजुकेशन मिसाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिल्कुल फ्री में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो है तैयारी करवाई जाती है, तो उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, जिनको ज़रूरत है। तो वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का जो प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, वो था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच कब होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, इसमें आपको जो है मिलान करना है कि किस स्थल से किसका जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आना ही आना है, फटाफट आंसर करें। मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। तो मोहन जोदड़ो से देखिए ग्रेट बाथ मिला था, वृहद स्नानागार हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो चौथा का देखिए, सॉरी, ए का जो है चार में जा रहा है, तो ए का चार देखिए केवल इसी में है, तो आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रिस्ट प्राप्त हुआ था, कालीबंगन से आपके हल के जो है चिन्ह प्राप्त हुए थे, लोथल से आपके जो है पत्तन यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे मोहन जोदड़ो का अन्य नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मृतकों का टीला इसका अन्य नाम है, ठीक है। और इसकी जो खोज की गई थी मोहन जोदड़ो की, 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहिनी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़िया। आप लोग बताएं कालीबंगा ये किस राज्य में है, सब लोग कमेंट करें। कालीबंगा और लोथल दोनों किस राज्य में है, सब लोग छापेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछा हूँ, और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है। इससे ये होता है, ये चीज़ें आप लोगों को जो है हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। फटाफट आंसर करें भाई।
तो देखिए यहाँ पे कालीबंगा आपका राजस्थान में है, कहाँ पे है, राजस्थान में है, और लोथल आपका गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना, दोनों याद रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर करें भाई। रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है, ये आपको बताना है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। पांचवा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है, सभी लोग जवाब दें रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब बताएं ब्लड ग्रुप जो होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वग्राही होता है और कौन सा सर्वदाता होता है, ये आपको बताना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। तो देखिए सर्वग्राही पूछे तो ए बी होता है और सर्वदाता पूछे तो ओ होता है, ठीक है ना, यानी कि ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, ठीक है ना। और रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है उसको क्या कहते हैं, स्पिग्नो मैनोमीटर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से जो है किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, फटाफट आंसर करें। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद कर लीजिएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दो, आज इतनी लाइक कर दो, सबसे ज़्यादा लाइक होनी चाहिए आज। चलिए सिक्स का जवाब दीजिए सब लोग, तो यहाँ पे निशेचन आपका करेक्ट हो जाएगा, निशेचन, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, तो फटाफट आंसर कर दें भाई इसका, सेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है, फटाफट आंसर करें, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में जो है किसकी गंध आती है, जितनी भी हमारे चैनल पे क्लास होती हैं सभी क्लास को देखना है, बिल्कुल फ्री में क्लास होती हैं, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो मिथाइल सेलिसिलेट की जो है महक आती है, गंध आती है आयोडेक्स में, ठीक है ना, एट का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, इसमें हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फटाफट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, सभी बच्चों को आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार यश कर दें कमेंट में। और हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है अपना फीडबैक जरूर दिया करें लास्ट में। तो इसमें देखिए सामान्यतः वायु प्रदूषक आपका देखिए ये तीनों हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आपका जो है नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, नाइट्रस ऑक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है बताएं, बहुत अच्छे, हाशाने वाली गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, फटाफट आंसर करें, किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, टेन का जवाब देने के प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, वेरी गुड, टेन का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, फटाफट आंसर करें भाई, एलेवन का जवाब दीजिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल, बरगद, सागौन, नारियल, बरगद हो जाएगा, ठीक है ना, एलेवन का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो किसका वृक्ष हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का अशोक हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है, बताएं उस खेल का नाम बताएं, जिसे रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है, गोल्फ हो जाएगा, सही उत्तर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है,
तो कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। 13 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली इसमें, बताएं कौन सी मछली है, फटाफट आंसर करेंगे भाई। तो इसमें शालमन एक मछली है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखाएं क्या कहलाती हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखाएं क्या कहलाती हैं। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। रेखाएं कहलाती हैं हैचूर। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आते हुए ट्रेन को की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है, बताएं क्या कारण है। क्योंकि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है, ठीक है ना। 16 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। फटाफट 17 का जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं। कंजेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला ये प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके जो उपनाम हैं याद रखना आप लोग, ठीक है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। चलिए यहाँ पे 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, बताइए उस ईंधन का नाम बताइए जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन से जो है सबसे कम प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, कल ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछा था, होमवर्क दिया था कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है, ये आपका है उड़ीसा में, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा के पुरी ज़िले में है, ठीक है। आप लोग बताइएगा सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सब लोग कमेंट बॉक्स में छापें। तो 20 का जो है आपका शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिरका क्या है, सिरका बताइए सिरका क्या है। 21 का जवाब दें सभी लोग। सिरका क्या है, बताइए सिरका क्या है, तनु एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। 21 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, फटाफट आंसर करें। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, दोनों ऑप्शन और भी देख सकते हैं आप लोग। फिर से प्रश्न को देखिए, फिर से ऑप्शन को देखिए, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। तो खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यही होता है खुला बाजार का अर्थ। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गुजरात का, 23 का जवाब दीजिए सब लोग। कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, कथक जो है उत्तर भारत का है, तो गरबा बचा, गरबा आपका गुजरात का है, ठीक है ना। 23 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है, बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करें। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है। तो वो है अनुच्छेद 14। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, फटाफट आंसर करें। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आर्किपी लागो, क्या कहलाते हैं, आर्किपी लागो, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किए थे, बताइए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किए थे। 26 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करें भाई। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, बिना कहे आप लोग लाइक कर दिया करो। तो भारी उद्योग का समर्थन इसमें नहीं किए थे, बाकी मद निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा, इन सभी का जो है समर्थन किए थे महात्मा गांधी। चलिए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सब लोग जवाब देंगे।
राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी को पता है 5 ईयर का होता है, ठीक है ना। इस समय आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? सब लोग जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? फटाफट आंसर करें भाई, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में छपेंगे प्रश्न। जितनी भी मेरी क्लास हो गई हैं उन क्लास को आप लोग जाके देख लेना, एक भी क्लास आपसे नहीं छूटनी चाहिए, खास तौर पे टॉपिक वैसी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, ये शामिल थे, ये शामिल थे, ये शामिल थे, बाबा गुरुदत्त सिंह आपके नहीं शामिल थे। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, बताइए हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जितना हो सके इस समय आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है ना, और माइनस मार्किंग से, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है जितना हो सके। अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो प्राइवेट लेना है तो आप लोग लगा के आ सकते हैं टोटल क्वेश्चन, क्योंकि केवल भाई प्राइवेट चाहिए, 100 120 पे भी आपको प्राइवेट मिल जाएगा। गवर्नमेंट लेना है तो ज़्यादा गलत क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, जो आ रहा है या 2 क्वेश्चन में डाउट है तभी आप लोग लगाए हैं, रिस्क लें, अन्यथा आपको बचना है माइनस मार्किंग से। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है डियर, वो है आपका थायरॉक्सिन, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? फटाफट आंसर करें भाई, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? 30 का जवाब दें सब लोग, बहुत अच्छे। तो ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ये कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति है ट्रांसफार्मर। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि जो है एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? 31 का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट सभी लोग, आज देखता हूँ आज की क्लास में कितनी लाइक की संख्या आती है। तो यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आपका हो जाएगा, 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ऑप्शन देखिए, आप लोग बताइए फिर क्यों खतरनाक होता है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? इसलिए खतरनाक होता है कि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? 33 का जवाब देंगे सब लोग। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। चलिए, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? सीधे एग्जाम में छपेगा यह प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत अच्छे, अभी ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछा था ना, अभी यही क्वेश्चन पूछा था, नरसिंह देव प्रथम। 34 का जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए थे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बताएंगे सब लोग, सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का, या सुषिमा का, या बिंदुसार का, या दशरथ का? आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। तो देखिए, सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? ये था बिंदुसार का। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है बताइए? ऑप्शन को चेक करिए, छोटा छोटा दिख रहा है उसके लिए सॉरी, बड़े ऑप्शन है इसलिए। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जो है क्या है? जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणति अनुपात में बढ़ती है, यही माल्थुसियन की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। चलिए, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया था। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा बताइए सब लोग? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा?
ध्रुवों पर होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं, चलिए नोट कर लेना। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 38 का जवाब दें सब लोग। प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करें और चारों ऑप्शन को चेक किया करें, फिर आप लोग उत्तर दिया करें। जल्दबाजी में आप लोग उत्तर मत दें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक पाली में 3 घंटे का समय दिया जाएगा, दूसरे पाली में 3 घंटे, और 3 घंटे 100 क्वेश्चन के लिए बहुत होते हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे बहुत होते हैं, पर्याप्त समय है। आप लोग सोएंगे 1 घंटा, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एक सीट अपनी कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप सीजीएल एसएससी का एग्ज़ाम लीजिए, 100 क्वेश्चन में आपको केवल मात्र 60 मिनट देते हैं, मात्र 60 मिनट। आपको 3 घंटे मिला है ना, 2 घंटे में बहुत ही अगर स्लो मोशन में करेंगे तभी आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। पूरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, करना तो 5 मिनट में भी कर लोगे, टिक लगा के चले जाओगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, वो 3 घंटे भी उनको कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। जब लास्ट में ओएमआर सीट लेते हैं तब भी वो लोग करते रहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का खास तौर पे ध्यान रखना आप लोग। तो निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरी जो है एसटी की क्लास से हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किसमें देखा गया था? ये देखा गया था गेहूं में, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई कमेंट बॉक्स में छापें, 1965-66 कब हुई कमेंट बॉक्स में छाप देना सब लोग। बैंक दर क्या है बताइए, ये भी क्वेश्चन बताइए, मेरी इकोनॉमी की क्लास से है या नहीं है? मात्र 3-3 क्लास मैं लेता हूँ हर सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, इस क्लास को जाके देख लेना। स्पोर्ट की तो मात्र 1 क्लास लिया हूँ, तो जाके देख लेना। तो बैंक दर एक क्या है? बैंक दर एक जो है वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। जैसे केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, अब जैसे छोटे छोटे बैंकों को जो ऋण देता है, लोन देता है, जैसे एसबीआई हो गया, बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं उनको ऋण देता है, तो यही होता है बैंक रेट, रेट के हिसाब से अपना जो है इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? फटाफट 41 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो कर प्रणाली कौन सी है? प्रगामी कर है, ठीक है ना। 41 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है बताएं सब लोग? संसद हटा सकती है, ठीक है ना, महाभियोग प्रस्ताव लगाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि महाभियोग जो है, राष्ट्रपति वाला जो महाभियोग है, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल लिख लेना, आर्टिकल 61 में किसका उल्लेख है? महाभियोग का, ठीक है। चलिए, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करेंगे, क्या कहते हैं उनको? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उन्हें जो है तटबंध कहते हैं, क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं, बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे प्यूपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्यूपा, वेरी गुड। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? फटाफट आंसर करेंगे भाई, 45 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? बहुत अच्छे,
तो ये निर्भर होती है मौजूदा हारमोनिक पर, यानी कि समनाद पर। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में जो है अधिकांशतः ज्वारभाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वारभाटा किस कारण आता है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समुद्र में अधिकांशतः ज्वारभाटा किस कारण आता है? तो ये पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है समुद्र में अधिकांशतः ज्वारभाटा। 46 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? सीधे एग्जाम में छपे गए ये प्रश्न, नोट कर लेना, और ये कई बार मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ क्वेश्चन। 47 का जवाब दें सब लोग, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है, जीव मिल्खा सिंह का संबंध शतरंज से नहीं बल्कि ये क्या थे? धावक थे, और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका डी वाला नहीं सही था, ठीक है, क्योंकि ये एक धावक थे। आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे, ये आपको बताना है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आ गया है, और लास्ट क्वेश्चन भी है कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? बताएं सब लोग, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को चौड़ा करना, नदी को कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, या टेढ़े मेढ़े बहना? 50 का जवाब दें सब लोग, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है, और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग 50 में अभी 25 प्रश्न भी सही कर रहे हैं, जीके की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल, 25 प्रश्न भी सही कर रहे हैं, तो आपकी जीके की तैयारी बेस्ट है। और यूपी जीके की क्लास मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, एंड करेंट अफेयर की मैं ले ही चुका हूँ, पॉलिटी की 2 क्लास बची हुई है, ठीक है। तो जो जो चैप्टर्स, जो जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनको मैं इसी मई में 5 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, उधर केवल धुआंधार प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही थी, एंड करते हैं। कैसी लगी क्लास ये भी आप लोग अपना बताइएगा फीडबैक, ओके। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आती है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल की तरफ से मिल सके, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।